टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर लिया, जिससे उनका परिवार काफी परेशान है। सुसाइड नोट में वैशाली ने राहुल को दोषी बताया है। क्या आप जानते हैं ये राहुल कौन है? तो चलो, क्या आप जानते हैं शो में आज इसी केस पर बातचीत करेंगे। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले ने टीवी इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया है। वैशाली ने 30 साल की उम्र में अपनी जान ली। इसका दोषी एक्ट्रेस ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी को ठहराया है। राहुल वैशाली को पिछले 2.5 साल से परेशान कर रहा था। एक्ट्रेस की मौत से उसका परिवार सदमे में है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। जानते हैं सुसाइड मामले में वैशाली के परिवार का क्या कहना है। वैशाली के भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वो लड़का ज्यादा परेशान कर रहा था। हमने उसके परिवार वालों से बात की, फिर भी वो नहीं मान रहा था। बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता रहा। हमें ऐसा लगा था कि हमारे पड़ोसी हैं तो बात करके मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात आगे बढ़ती गई, वो बहुत परेशान करते गए। पूरी जीवन गाथा वैशाली ने डायरी में लिखी थी, अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा था, और वो लोग घूमने फिरने गए होंगे, वहाँ फोटो खिंचवाई होंगी, जिसे लेकर राहुल धमकी देता था, मैं फोटो सबको दिखा दूंगा, तेरा घर नहीं बसने दूंगा। अभी वैशाली की एक जगह सगाई हुई थी तो राहुल मैसेज करता था कि इस लड़के से बात मत कर, सगाई मत कर। वैशाली जिस सीरियल में काम करती थी वो खत्म हो गया था, तो हमने इंदौर बुला लिया था क्योंकि यहाँ पर शादी की प्लानिंग चल रही थी। शादी की और जो लड़का तनाव था, इसकी वजह से वैशाली डिप्रेशन में थी। वैशाली के पापा ने कहा, हमने पुलिस को बयान दिया है, हमें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। वैशाली ने सुसाइड नोट में अपने पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा का नाम लिखा था। दोनों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है और उन्हें सजा दिलवाने की मांग की। वैशाली के सुसाइड नोट में आखिरी शब्द थे, आई क्विट। वैशाली की मितेश से शादी होने वाली थी। सुसाइड नोट में वैशाली ने मितेश से भी माफी मांगी। वैशाली के परिवार का हाल बेहाल है। जिस घर में शादी की शहनाई बजने वाली थी, वहां अब मातम छाया हुआ है। वैशाली सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेगी, किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में पेरेंट्स से माफी मांगी। इस सुसाइड नोट में वैशाली के आखिरी शब्द थे, आई क्विट। उनके काम की बात करें तो वैशाली कई सीरियल्स में नजर आ चुकी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ससुराल सीमर का, सुपर सिस्टर्स, वेश्या अमृत, मनमोहिनी 2, रक्षाबंधन जैसे शो में नजर आ चुकी हैं। पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।